everyone. My name is Lata and I am going to teach you class 9, 10th, 11th, 12th, maths and science. And for 11th and 12th class, I'll teach you chemistry as a main. My major subject is a chemistry, that is why I am going to teach you this. So, we'll start with the class 9 chapter, starting with matter in our surrounding. It's a science chapter, it's the first chapter of your science subject. So, what is a matter? आपको पता होना चाहिए matter क्या होता है. तो गाइज मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके समझाऊंगी ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो. और अगर किसी को कोई इश्यू है तो लेट मी नो इन योर कमेंट सेक्शन. सो लेट अस स्टार्ट विद द व्हाट इज मैटर. तो मैटर क्या होता है बच्चों? ये सिंपल है, जैसे कि जो भी आपके यूनिवर्स में है, आपके सराउंडिंग में है, जो भी चीज आपको दिख रही है जिसका कुछ ना कुछ मास है वो मैटर है. जो भी चीज है, लाइक मैं इस व्हाइट बोर्ड को कंसिडर करूं, लाइक मैं इस मार्कर को कंसिडर करूं, मैं चेयर को कंसिडर करूं, स्टूल को कंसिडर करूं, सब कुछ मैटर है. क्योंकि दीज आर ऑल मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. जैसे आप देख नहीं सकते हो, अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड को कंसिडर कर रही हूँ तो इस व्हाइट बोर्ड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, क्या आप इसे देख सकते हो? क्या मैं इसे देख सकती हूँ? नो, वी कैन नॉट सी दिस, बिकॉज दीज पार्टिकल्स आर वेरी टाइनी, दीज आर वेरी स्मॉल दैट यू कैन नॉट सी. ओके, सी इट. ओके, सो व्हाट इज अ मैटर? मैटर इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स यू, एवरीथिंग दैट सराउंड्स यू इज मैटर. ठीक है, जो भी आपके आसपास की चीज है जिसका भी मास है, दैट हैव अ दैट ऑक्यूपाई स्पेस, इज मैटर. जो चीज आपके सराउंडिंग में है जिसका कुछ ना कुछ मास है, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो क्या है? मैटर है. अब मैटर बनता किस चीज से है? मैटर के क्या पार्टिकल्स होते हैं, क्या होता है जिसकी वजह से हम इसको नाम दे रहे हैं एज अ मैटर? तो मैटर इज बेसिकली मेड अप ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दैट इज नॉर्मली अ कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस और पार्टिकल्स, इट इज मैटर. सो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. ओके, सो मैटर किसके बने हुए हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स के, बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स हैं, विच यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आईज. जैसे कि अगर हम गैसेस का एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो कि आपके आसपास है. हमेशा बेटा साइंस को समझने की कोशिश करो, जो भी आपके आसपास है ना, जो भी आप महसूस करते हो, जो भी आपके सराउंडिंग में चल रहा है, वो सब साइंस है. आप जो भी देखोगे उसे समझोगे, प्रैक्टिकली चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है. तो साइंस को इसी तरीके से समझना सीखो. रटना इज नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि रटोगे आज समझोगे लेकिन कल तक भूल जाओगे. तो उसे इस तरीके से समझो कि वो आपके फ्यूचर में कुछ ना कुछ काम आए. सो जैसे मैंने बोला, इट इज मेड अप ऑफ अ टाइनी पार्टिकल्स. तो मैंने बोला, हम गैस का एग्जांपल लेते हैं, एयर है, पूरी एयर आप मिक्सचर ऑफ गैसेस है, बहुत सारी गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज्यादा है वैसे भी. तो ये सब आपके एटमोसफेयर में घूम रही है. ठीक है, तो क्या आप उसे देख सकते हो? नो, यू कैन नॉट सी दिस. आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हो, क्या आप उसे देख सकते हो? नहीं, आप उसे नहीं देख पाते हो. तो ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए हैं, तो इसलिए आप इन्हें नहीं देख सकते हो. ठीक है, लेकिन सॉलिड है, ये व्हाइट बोर्ड है, हम इसे देख सकते हैं. ठीक है, हम इसे देख सकते हैं. और इसके अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं और प्लस इनके अंदर कुछ स्पेस होता है, नहीं होता, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल्स के, जो हम समझेंगे अभी जाके. ठीक है, तो हम धीरे धीरे इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो मैंने इसलिए बताया कि हम किसी किसी चीजों को नहीं देख सकते, किसी किसी चीजों को देख सकते हैं, लेकिन जो मैटर जिससे बना है टाइनी पार्टिकल से, उसे आप नहीं देख सकते हो, बिकॉज इट इज वेरी टाइनी दैट यू कैन नॉट सी सो विद योर नेकेड आईज. या सो मैटर के, मैटर जो है पार्टिकल से बना है. अब जो पार्टिकल्स हैं उसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहे होंगे, तभी तो हम बात कर रहे हैं. साइंटिस्ट को कैसे पता चला कुछ मैटर है या कुछ पार्टिकल्स है? उन्हें भी तो चीजें आसपास जो दिखी उन्होंने वही कही. तो अब हम पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. अब पार्टिकल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो हम वन बाय वन समझेंगे. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में से सबसे पहला जो है वो है दैट मैटर सॉरी दैट पार्टिकल्स हैव पार्टिकल्स दे आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग. जो आपके पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं.
तो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं ये हमें कैसे पता चल रहा है? अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड का एग्जांपल लेती हूँ, अगेन मैं आपको सिंपल तरीके से समझाना चाहती हूँ जो आपके सामने है उसी के थ्रू। तो पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो ये सॉलिड है, क्या सॉलिड के अंदर आपको कोई मूवमेंट नजर आ रही है? क्या इसके पार्टिकल्स हिल रहे हैं इस तरीके से? कुछ महसूस हो रहा है आपको? नथिंग, नो, कुछ महसूस नहीं हो रहा। तो यहाँ पे पार्टिकल्स की ना थ्री टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं बेसिकली, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशन। वन बाय वन मैं सबको एक्सप्लेन करूंगी। तो पार्टिकल्स के ना कुछ मोशंस होते हैं जिसकी वजह से हम बताते हैं कि ये कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं या नहीं मूव कर रहे हैं। तो अगर आप अपनी गैसेस को कंसीडर करते हो, एयर को कंसीडर करते हो, तो एयर में जो मिक्सचर है गैसेस का वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। जैसे अगर मैं लूं थ्री डायरेक्शंस ले लेती हूँ, मैं थ्री एक्सेस ले सकती हूँ, ठीक है, थ्री डी में हम थ्री एक्सेस लेते हैं ना, तो एक्स वाई जेड, ठीक है, ये अगर मैं लेती हूँ एक्स, ये वाई और ये जेड एक्सेस। तो इन तीनों एक्सेस में कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं? मैं अगर नॉर्मली बोलूं मैटर को तीन टाइप्स में हम क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज है सॉलिड, लिक्विड और गैस में से जिसमें हम थ्री टाइप्स ऑफ मोशन देख सकते हैं, मतलब थ्री डायरेक्शन में मोशन देख सकते हैं? तो ऐसी कौन सी चीज है? तो वो है गैसेस, क्योंकि गैसेस में रेंडम मोशन होता है। रेंडम मोशन समझते हो बेटा, मतलब वो कहीं भी मूव कर रही है, आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, बस घूमती जा रही है, घूमती जा रही है। आप अपने आसपास एयर को देख रहे हो, नहीं सॉरी देख नहीं सकते हो, तो एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, तो वो कंटिन्यूअसली हर एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है। आप उसे कंट्रोल कर सकते हो? आप उसे रोक सकते हो? नहीं, यू कैन नॉट। सो आपकी जो गैसेस होती हैं, ठीक है, वो हर एक डायरेक्शन में मूव करती हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मोशन, मैं सबसे पहले बात करती हूँ ट्रांसलेशन मोशन की, ठीक है। पहले मैं इसे रफ कर देती हूँ, आपने इसे लिख लिया होगा। तो सबसे पहला हम क्या पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, ठीक है। तो पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो उस केस में सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको ट्रांसलेशन मोशन। तीन तरह के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल, सेकेंड रोटेशनल और थर्ड इज वाइब्रेशनल। तीन तरह के मोशन होते हैं, वन बाय वन हम एक एक को कंसीडर करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ट्रांसलेशन मोशन क्या है, एक्स एक्सिस पे कोई भी चीज है, ट्रांसलेशन मतलब सिंपल मूव कर रहा है, सीधा मूव कर रहा है, या एक एक्सिस पे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो वो ट्रांसलेशन मोशन है, ठीक है। अगर मैं सिंपल एक्स एक्सिस में कंसीडर कर रही हूँ, या वाई एक्सिस में कंसीडर कर रही हूँ, या जेड एक्सिस में कंसीडर कर रही हूँ, ठीक है, तो वो क्या है, ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। हमारी गैसेस के अंदर ट्रांसलेशन मोशन होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है, ठीक है। लेकिन अब इसी में हम लिक्विड्स की बात करते हैं। तो लिक्विड्स में क्या है बेटा, लिक्विड्स में आप ट्रांसलेशन मोशन देख सकते हो, क्योंकि लिक्विड्स जो है, लाइक अगर मैं वाटर का एग्जांपल लूं, तो वाटर में ट्रांसलेशन मोशन होता है, वो एक जगह पे मूव कर सकता है। लेकिन अब जब हम सॉलिड्स की बात करते हैं, जब मैं सॉलिड्स की बात करती हूँ, सॉलिड को मैं अगर मैं एक यहाँ पे एक स्फीयर मान लूं, तो सॉलिड्स जो है इनके बीच में स्पेस ही नहीं होता, ये इतने कंबाइंड होते हैं, ये देखो कितने कंबाइंड होते हैं आपस में, कितने कंबाइंड होते हैं, इनके पास स्पेस ही नहीं है। जब जिसके पास स्पेस ही नहीं है बीच में, तो वहां पे कहां से कोई चीज आगे मूव कर पाएगी, या पीछे मूव कर पाएगी, या ऊपर या नीचे, कहीं मूव नहीं कर पाएगी ना। तो वो क्या है, ट्रांसलेशन मोशन, जो सॉलिड्स में होता ही नहीं है। लेकिन सॉलिड्स एक तरह का मोशन बहुत आसानी से शो करते हैं। आपने कभी बचपन में अपने डेस्क पे सर रख के देखा होगा, और ऐसे तबला बजाते हैं ना बच्चे कभी कभी, बहुत मजा आता है जब छुट्टी होने वाली होती है, तो ना जब आप हेड डाउन करके बैठते हो और आप महसूस करते हो, आप अगर थोड़ा सा भी टप 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 करते हो, तो आपको ना थोड़ी सी वाइब्रेशन सुनाई देती है, आपको महसूस होता है कि कुछ चीज वाइब्रेट कर रही है। तो ये जो वाइब्रेशन होती है ना, ये हमारे सॉलिड्स जो करते हैं, सॉलिड्स में ना तो रोटेशनल हो सकती है, ना ट्रांसलेशनल हो सकती है, लेकिन एक तरह का मोशन वो शो करता है जो कि वाइब्रेशनल मोशन है, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन क्यों नहीं शो कर सकते सॉलिड्स? सॉलिड्स में रोटेशनल मोशन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो मेरे सॉलिड पार्टिकल्स हैं, आप देख रहे हो कितने ज्यादा कंबाइंड है, इनके पास तो स्पेस ही नहीं है, तो मैं इनको रोटेट कैसे करूंगी, किस एंगल में रोटेट करूंगी, नहीं कर सकती ना मैं रोटेट। तो गैस, ये जो सॉलिड्स होते हैं, इसके अंदर हमने कौन सा मोशन देखा, सिर्फ एक, विच इज वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं लिक्विड्स की। तो लिक्विड्स में मैंने आपको कहा ट्रांसलेशन मोशन पॉसिबल है, ठीक है, रोटेशनल मोशन पॉसिबल है लिक्विड्स के अंदर। अब बात करते हैं नॉर्मली गैसेस की बात करते हैं, ठीक है। तो गैसेस में मैंने आपको बताया ट्रांसलेशन मोशन हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, लेकिन वाइब्रेशनल गैसेस में नहीं हो सकता, क्योंकि गैसेस जो है वो बहुत दूर होती हैं, उनके पास इतना ज्यादा स्पेस होता है। अगर मैं एक नॉर्मल कंसीडर करूं, तो ये मेरी गैस है इतनी दूरी पे,
इतनी दूर दूर है। अब जब गैसेस इतनी दूर दूर है तो वाइब्रेशन तो उनके पास होगी ना, जो एकदम पास पास है, कंबाइंड है। जैसे अगर मैं इस व्हाइट बोर्ड के पार्टिकल्स की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा पास पास है, जो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, वाइब्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस में बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं है, तो वाइब्रेशन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि पार्टिकल्स जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, वेदर इट इज ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, हर किसी में अपना है। किसी में ट्रांसलेशन हो रहा है, किसी में रोटेशन हो रहा है, किसी में वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं हमारे पार्टिकल्स के, आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। लेकिन अगर आपको कोई भी इश्यू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं आपको फिर से वो चीज समझा पाऊं। या फिर अगर आपको मेरी पढ़ाई में थोड़ी सी है कमी, हर किसी को पता चलती है, तो मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझे बताओगे कि मुझमें क्या कमी है। तो अगर अब हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं, ओके, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, दैट पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स में क्या होता है, स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन देम, हमारे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो हमारे पार्टिकल्स कितने तरह के हैं, हमारे मैटर जो है नॉर्मल सराउंडिंग में तीन स्टेट्स में रहते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम उसी से क्लासिफाई कर रहे हैं और मैं आपको समझाती जा रही हूँ, ताकि आपको रटना ना पड़े किसी चीज को, आप समझो कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो पार्टिकल्स जो है उनमें स्पेस है, ठीक है। तो पार्टिकल्स में स्पेस का क्या मतलब है, कि कितने दूर है पार्टिकल्स, या कितने पास है, या कैसे है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल लू, ठीक है, मैं सॉलिड लेती हूँ, ठीक है, लिक्विड लेती हूँ और गैस लेती हूँ, ठीक है। तो मैं सॉलिड देखती हूँ ना, तो सॉलिड बिल्कुल कंबाइंड है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, सॉलिड जो होते हैं बिल्कुल कंबाइंड होते हैं, एकदम पास पास, इनमें बिल्कुल स्पेस नहीं है। लेकिन लिक्विड जो होते हैं उनमें थोड़ा स्पेस आ जाता है, जैसे अगर मैं यहाँ ड्रॉ कर दूं थोड़ा स्पेस आ जाता है, ठीक है। लेकिन गैसेज जो होती है वो बिल्कुल रेंडम होती है, एकदम दूर, इनमें बहुत स्पेस होता है। इसीलिए अब मैं आपको एक नई चीज समझाऊंगी, डिफ्यूजन, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मैं नॉर्मल मैं पानी लेती हूँ, ठीक है, एक ग्लास में मैंने पानी लिया, ठीक है, मैंने वाटर लिया है यहाँ पे, और मैं उसके अंदर शुगर डाल रही हूँ, ठीक है, मैंने 1 टीस्पून ऑफ शुगर इसमें डाल दिया, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे ना, कि जो शुगर है वो मिक्स करते जा रहे हो, आप मिक्स करते जा रहे हो तो वो मिक्स हो जाएगी। क्यों मिक्स हो गई भाई शुगर, लिक्विड में क्यों मिक्स हो गई शुगर, आपको ये पता होना चाहिए क्यों मिक्स हो गई। हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, और हर चीज जो आप घर पे करते हो, यूजुअली जो डेली लाइफ में करते हो, उन सब में साइंस छुपी है। अगर आप उस चीज को समझ लो तो आपको साइंस अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो देखो, अगर मैंने पानी के अंदर शुगर डाला तो वो डिजोल्व हो जाती है थोड़ी देर बाद, अगर हम देखें तो मिक्स करते हैं तो डिजोल्व हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि लिक्विड्स में स्पेस होता है। तो जो लिक्विड्स में स्पेस होता है, जब हम शुगर को डालते हैं तो उस जो छोटा छोटा स्पेस होता है ना, उसके अंदर जो सॉलिड्स पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं शुगर के, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बदल के, जो पार्टिकल्स में कन्वर्ट होके, और उसके अंदर कंप्लीट उसके स्पेस को फिल कर देती है। अब हम ये भी मेंशन करते हैं कि जब हमने शुगर डाला उसके अंदर, तो उस पानी के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, उस पानी के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ऑलरेडी स्पेस था लिक्विड में, वही स्पेस सॉलिड ने फिल कर दिया। सॉलिड जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स में आया और उसने उस लिक्विड के स्पेस को फिल कर दिया। तो ये जो खाली खाली स्पेस था ना लिक्विड के अंदर, ये जो खाली खाली स्पेस था, इस सारे स्पेस में हमारी शुगर ने जगह ले ली, शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स ने ये सारी जगह उसने ऑक्यूपाई कर ली। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है, और ये हमने एक एक्सपेरिमेंट से समझा, ठीक है। अब जो सॉलिड्स होते हैं, जैसे अगर मैं इसी ले लूं, व्हाइट बोर्ड के ले लूं, इस व्हाइट बोर्ड में पानी डाल दूं, कुछ होगा, पानी नहीं जाएगा व्हाइट बोर्ड के अंदर, ठीक है। अगर मैं किसी स्टूल के ऊपर पानी डाल दूं, तो आप उस पानी को गिराओगे, स्टूल के अंदर पानी को नहीं भर जाएगा, है ना, नहीं भर पाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे जो सॉलिड्स होते हैं उनमें स्पेस नेग्लिजिबल होता है, नेग्लिजिबल या इतना बहुत कम, रेयर, बहुत कम होता है। तो इस वजह से कुछ भी चीज हो उसके ऊपर डालोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में स्पेस ही नहीं है। तो वो जो दूसरे पार्टिकल्स आ रहे हैं तो उसका स्पेस ऑक्यूपाई कैसे कर पाएंगे, ठीक है। हमने लिक्विड की बात करी, हमने सॉलिड्स की बात करी, ये रहे सॉलिड्स, ठीक है, और ये रहे लिक्विड्स। अब हम बात करते हैं गैसेस की, ठीक है, अब हम गैसेस की बात करते हैं। तो नॉर्मली देखो, सिलेंडर होता है आपके घर में, ठीक है, सिलेंडर एक सॉलिड है, ठीक है।
लेकिन जो स्पेस होता है, जो हमने सिलेंडर में स्पेस बना रखा है, ठीक है, तो हम उसमें गैस को डाल देते हैं। ठीक है, हम गैस को अच्छे से कंप्रेस करके एक पर्टिकुलर डायमेंशन होती है ना, मतलब हम उसे एक कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर लीटर में या केजी में हम उसको भर रहे हैं, कंप्लीट भर रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है, हम क्यों एक अच्छी तरीके से गैस को, लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस है उसको हम अच्छे से भर पाते हैं उस सिलेंडर के अंदर, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी गैसेस में स्पेस होता है। अब गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में घूम रही हैं इधर से उधर, कंप्लीटली घूम रही है, आप ऑक्सीजन इनहेल कर पा रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपकी जो गैसेस है उनके बीच में स्पेस है। अब जब गैसेस के बीच में स्पेस है तो एक बात सोचो, मैं इसको दबा रही हूं, मैं इस व्हाइट बोर्ड को दबा रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन जब एलपीजी गैस भरी जाती है ना सिलेंडर्स में, तो उसको ना कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस का मतलब क्या होता है ना कि लिक्विड जो गैसेस होती हैं उनमें स्पेस है, जिनके पास स्पेस है उसे कंप्रेस कर पाते हो। अगर मैं क्वेश्चन का एग्जाम्पल लूं, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन होता है तो उसमें जो कॉटन फिल होती है तो आप उसको प्रेस कर पाते हो अच्छे से, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी के अंदर वो भर दूं, नॉर्मल सॉलिड भर दूं, ठीक है, कंप्लीट सॉलिड, तो आप उसे प्रेस कर पाओगे? नहीं, आप उसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर पाओगे, आप उसे प्रेस कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उसमें स्पेस ही नहीं होता। तो इसीलिए हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं जिनमें स्पेस होता है, जैसे सॉलिड्स में बिल्कुल स्पेस नहीं होता, लिक्विड्स में थोड़ा स्पेस होता है, जैसे कि हमने शुगर सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया, और गैसेस में बहुत सारा स्पेस होता है, इसीलिए हम इसे कंप्रेस कर पाते हैं। जैसे अगर एलपीजी में मैंने गैस भर दी, तो अगर मैं, जैसे मेरी गैसेस हैं बहुत दूर दूर हैं, तो मैं उसको पास पास ले आऊंगी, मैं उसको प्योर प्रेशर लगाऊंगी ताकि वो पास पास आ जाए और अपने स्पेस को फिल कर ले, ठीक है। तो हमने आज दूसरी प्रॉपर्टी सीखी कि पार्टिकल्स जो होते हैं उनके अंदर स्पेस होता है, ठीक है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट पार्टिकल्स और सिंपल लिख सकते हैं पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है, पार्टिकल्स जो है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और पार्टिकल्स हैव force of attraction between them, अब ये तीसरी property को हम अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, force of attraction between them, कैसे है particles में force of attraction? देखो फिर से हम example लेते हैं, again solid, liquid, gas, ठीक है। तो सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। अभी हमने पढ़ा कि जो सॉलिड्स होते हैं उनमें बिल्कुल स्पेस नहीं है, हमने अभी बनाया सॉलिड्स में बिल्कुल स्पेस नहीं है, बहुत पास पास होते हैं। अब ये देखो, अब जब सॉलिड में स्पेस ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, इसके पार्टिकल्स में बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, बहुत फोर्स ऑफ। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूं, मैंने बोला इसमें मैं पानी फेंक दूं, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वो काफी टाइटली बाइंड है, इतने टाइटली बाइंड है कि हम इसमें पानी डालेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्लासिफाई करता है हमारे सॉलिड्स को कि पार्टिकल्स के अंदर बहुत सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें, ठीक है, हमने लिक्विड में बोला था स्पेस है, ठीक है, अगर लिक्विड में स्पेस है तो उसकी वजह से क्या है, लिक्विड जो है मोशन कर सकते हैं, ठीक है। लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में कितना फोर्स होगा? ऑफ कोर्स कम होगा, क्यों? क्योंकि सॉलिड में सबसे बिल्कुल कम स्पेस है, स्पेस ही नहीं है, है ही नहीं है एक्चुअली, लिक्विड में थोड़ा सा स्पेस है, तो उस स्पेस की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है सॉलिड के कंपैरिजन में, कम हो गया। सॉलिड्स में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, इसी वजह से वो कंप्लीटली बाइंडेड है टुगेदर, कंप्लीटली बाइंडेड टुगेदर। अगर हमारे लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता तो उसकी वजह से क्या होता, जब हमने शुगर डाला उसके अंदर तो शुगर डिजोल्व ही नहीं होती, ठीक है, शुगर बिल्कुल डिजोल्व नहीं होती। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने का भी तरीका है, लेकिन हम बाय बाय से समझेंगे। तो हमने सॉलिड का एग्जांपल लिया, लिक्विड का एग्जांपल लिया, ये सॉलिड में एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लिक्विड एल से, ठीक है। अब गैस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, तो गैस जो है बहुत दूर दूर है, हमने अभी पढ़ा गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। अब जब गैसेस के पार्टिकल्स इतनी दूर है तो क्या हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी तो हम बहुत आगे पढ़ेंगे रियल गैसेस, आइडियल गैसेस, बहुत तरह के गैसेस पढ़ेंगे, तो इसमें क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि इनमें स्पेस ही इतना ज्यादा है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि अगर इन सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, किसी में नहीं है, तो क्या तरीका है कि हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर सके। तो हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अब हम वो सीखेंगे। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between particles, इट कैन बी
कैन बी ब्रेक्ड। हम इसे ब्रेक कैसे कर सकते हैं, कैसे ब्रेक कर पाएंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को? तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, वॉल्यूम, ये तीन तरह के वेरिएबल होते हैं जो आप अब से पढ़ोगे और पढ़ते ही रहोगे अगर आपने साइंस ले ली है 11th क्लास में, तो आप इसे पढ़ते रहोगे। तो टेम्परेचर है और प्रेशर है। आप कभी बॉइल करते हो पानी को, आपने देखा होगा सामने चाय बन रही होती है, आपने देखा होगा थोड़े टाइम बाद जो चाय होती है उसमें अगर मैं शुगर नॉर्मली डालूं, नॉर्मली पानी को रख रही हूँ साइड में और शुगर को रख रही हूँ, ठीक है, तो उसे मिक्स करूंगी या फिर मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ ऐसे नॉर्मली, तो वो जल्दी मिक्स नहीं होती है। लेकिन अगर मैं उसी को हाई टेम्परेचर पर रख दूं, मैं गैस ऑन करके उसी पानी को शुगर सॉल्यूशन बनाना चाहती हूं मैं, तो मैं पानी को बॉइल करने के लिए रख दूं, तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी कैरमलाइज हो जाती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा शुगर बहुत जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर फोर्स बैठा हुआ है, फोर्स है, हम उस फोर्स को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ देते हैं, वो उसका मेजर है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। एवरी पार्टिकल जो मूव करता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। कोई भी पार्टिकल है जो मूव कर रहा है, जो मोशन कर रहा है, ठीक है, या फिर मैं उसमें मोशन कराना चाहती हूँ तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। कोई भी पार्टिकल है रेस्ट पे है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, सेव्ड एनर्जी होती है। मैं बैठी रहूं मेरे पास सेव्ड एनर्जी है, लेकिन मैं यूज कर रही हूं, मैं मूव कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं, तो मेरी एनर्जी यूज होती जा रही है, मेरा ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता जा रहा है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली एवरीथिंग विच इज मूविंग, ठीक है, तो इट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, मैंने इसमें बाउल लिया, ठीक है, और मैंने इसके अंदर पानी को बॉइल करने के लिए रख दिया और मैंने इसके अंदर शुगर डाल दी, ठीक है, मैंने इसके अंदर शुगर डाल दी, शुगर है, ठीक है, प्लस वाटर है इसके अंदर, ठीक है, और मैं इस पे बॉइल कर रही हूँ, ठीक है, मैं इसे बॉइल कर रही हूँ, ठीक है। अब दूसरी तरफ मैंने सेम वो लिया है, सेम बॉइल लिया है, वो लिया, सेम कंटेनर लिया है, ठीक है, उसके अंदर भी मैं वाटर लिया है और शुगर को डाल रही हूँ, शुगर प्लस वाटर, ठीक है, लेकिन इसमें नो हीटिंग, मैं इसको कोई हीट नहीं दे रही। अब बताओ कौन सी चीज बहुत जल्दी कैरमलाइज हो जाएगी, या कौन सी ऐसी चीज है जो जल्दी बॉइल हो जाएगी, मतलब शुगर सॉल्यूशन बहुत जल्दी बन जाएगा, तो वो कब होगा, जब हम इस पे हीट अप्लाई करेंगे। तो शुगर सॉल्यूशन में जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, तो हम जल्दी जल्दी कैरमलाइज हो जाती है, जल्दी जल्दी शुगर सॉल्यूशन बन जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें फर्क पड़ता है टेम्परेचर का। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवरीथिंग एनीथिंग विच इज मूविंग इट हैज अ काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ने लगेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी तो जो पार्टिकल्स के अंदर स्पेस है वो दूर दूर होने लग जाएंगे, स्पेस बढ़ जाएगा पार्टिकल्स का। तो मैंने क्या किया, जब मैंने शुगर सॉल्यूशन बनाया, जब मैंने हीट की थी तो जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे जिनमें थोड़ा स्पेस था, जैसे जो लिक्विड के पार्टिकल्स थे पहले उनके अंदर इतना स्पेस था, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने उसे हीट प्रोवाइड करी, तो क्या हुआ, इसके अंदर स्पेस बढ़ने लगा। अब जब स्पेस बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, जो शुगर है वो फटाफट स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। शुगर को क्या चाहिए, दूसरे के में स्पेस चाहिए, डिफ्यूजन करना है उसे, तो डिफ्यूज करना है। डिफ्यूजन हम बेसिकली बात करते हैं तो हम गैसेस में डिफ्यूजन का यूज करते हैं, लेकिन ये इस काइंड ऑफ डिफ्यूजन इसमें भी होता है, लेकिन डिफ्यूजन हम गैसेस के लिए पर्टिकुलरली यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ, शुगर जो है उसके पार्टिकल्स बहुत जल्दी उसमें मिक्स हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि मैंने स्पेस को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया, मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगी तो उसकी वजह से क्या होगा, स्पेस बढ़ जाएगा, ओके। तो पार्टिकल्स में जो पार्टिकल्स जो है वो कैन बी सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और पार्टिकल्स में स्पेस बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी लार्ज स्पेस और मोर स्पेस कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग अ टेम्परेचर। अब मैंने एक वेरिएबल की बात करी टेम्परेचर की, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और पार्टिकल्स जो है वो दूर दूर भागने लगे, और ऐसे पार्टिकल्स जो है वो फटाफट वेपराइज होने लग जाते हैं। ऑफकोर्स जब हम गैस पे कुछ भी रखते हैं तो क्या होता है, वेपर्स में बड़ी जल्दी बनने लग जाती है। आप चाय को थोड़ी देर रख दो,
काफी देर रख दो, चाहे बचेगी ही नहीं, कंटेनर में कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो सारा का सारा वेपराइज हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सॉलिड गैस में लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फिर लिक्विड से गैस में चली जाएगी। क्या हो जाएगा, जो सॉलिड है ऐसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा। व्हाइल यू आर अप्लाइंग द टेम्परेचर, जब आप उसमें टेम्परेचर अप्लाई करोगी, हीट अप्लाई करोगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रेशर, प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं कि प्रेशर का कैसे काम करेगा, प्रेशर कैसे कर सकते हैं हम, प्रेशर का क्या फर्क पड़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है। तो प्रेशर की जब बात करेंगे हम, तो प्रेशर क्या होता है, जब भी आप प्रेशर अप्लाई करते हो, किसके पास स्पेस बहुत कम है, आपके गैसेस में स्पेस बहुत ही ज्यादा है, लिक्विड्स में उससे कम है, ठीक है, और फोर्स जो सॉलिड है उसमें तो है ही नहीं, बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा टाइटली बाइंडेड है, ठीक है। तो प्रेशर की बात कर रही थी, मैंने आपको बोला था जब मैं व्हाइट बोर्ड पे प्रेशर अप्लाई करूंगी तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स में स्पेस ही नहीं है, ठीक है। जब इसके पार्टिकल्स में स्पेस ही नहीं है तो जब आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि इस पर कोई प्रेशर लगेगा ही नहीं। हमें क्या चाहिए, हमें एक स्पेस चाहिए, जिसकी वजह से जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करें तो उसकी वजह से उस पर प्रेशर लगना चाहिए, शुड बी कंप्रेसिबल। तभी आप नाम पढ़ोगे आगे जाके कंप्रेशन और एक्सपेंशन, ठीक है, आगे जाके आप पढ़ोगे। तो अभी मैं आपको सिंपल समझा रही हूँ कि कंप्रेसिबल का क्या मतलब होता है। जब भी आप प्रेशर अप्लाई करते हो, ठीक है, सॉलिड में मैंने कहा बिल्कुल कंप्रेशन नहीं है, क्यों, इसके पार्टिकल्स में स्पेस ही नहीं है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बाइंडेड है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उनमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिक्विड का एग्जाम्पल लू तो लिक्विड्स आर लिटिल बिट कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड बिकॉज ऑफ स्पेस, बिकॉज दे कंटेन्स सम काइंड ऑफ, they have some space as compared to the solids, because solid doesn't have any kind of force, sorry, doesn't have space between them, or they have a strong force of attraction between them. But liquids as compared to solids, इनमें क्या है, force of attraction कम है, ठीक है। और अगर मैं gases की बात करूँ तो gases में आपको मैंने पहले ही समझाया था LPG gas, तो LPG gas को हम अच्छे से compress कर पाते हैं, तभी तो हम cylinder में उसको fill कर पाते हैं अच्छे से। हम उसको gaseous form में क्यों लेते हैं, ताकि हम अच्छे level पे उसको store कर पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही मैं कवर कर रही हूँ, स्टार्टिंग से अगेन बता रही हूँ। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जो मैटर होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना हुआ है, बहुत टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हैं जिसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने बताया सॉलिड लिक्विड और गैस में कैसे कैसे पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनके बीच में स्पेस होता है, या प्रेशर टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, कैसे वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं, ये सब मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन लेट मी इन योर कमेंट सेक्शन, इन माय एक्चुअली कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज लाइक माय वीडियो एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। एंड हाँ, अगर कोई भी कमी हो तो प्लीज मुझे बताना, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और मुझे मोटिवेट करना कि मैं आपके लिए और बहुत सारी वीडियोज ला पाऊं और सिखा पाऊं, आपको कुछ नया सिखा पाऊं, समझा पाऊं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, रटना मत, समझना चीजों को जितना हो सके। और अगर मैं इस चीज में कामयाब हुई हूं तो बहुत अच्छी बात है। ओके देन, थैंक यू।